अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी गुलाम प्रीत जैगम एंड यू कैन गेट ऑल माय लेक्चर्स पर्टेनिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बीए एंड नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द वुमन वर्क बाय माया एंजेलो। इट्स अ फोर्थ पोइम ऑफ द पोएट्री। अजीज तलबा, आप मेरे नोट्स, ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं मेरी साइट www.centurylearner.com पे। इस नज़म में शायरा एक मगरबी खातून की घरेलू जिम्मेदारियों का जिक्र करती है। इस नज़म की शायरा एक अमरीकी हबशन खातून है, इसलिए अमकान अगलब है कि उसने इस नज़म में एक हबशी अमरीकन खातून की जिम्मेदारियों को सामने रखा है और उसकी जिम्मेदारियों के हवाले से उसने बात की है। एक अमरीकी खातून की ज़िंदगी यकसानियत और भोरियत का शिकार होती है। घर चलाने के लिए उसे खूब मेहनत करना पड़ती है। वो सुबह सवेरे उठकर बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ हो जाती है। वो बच्चों को नहलाती है, उनके कपड़ों को इस्त्री करके उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती है। वो पुराने कपड़ों की मरम्मत करती है। बाद हज़म वो घर की सफाई करती है। सफाई के बाद बावर्ची खाने में चली जाती है और बच्चों और घर के दीगर अफराद के लिए नाश्ता तैयार करती है। बच्चों को स्कूल भेजकर वो बाज़ार चली जाती है, वहाँ से रोज़मर्रा की अशिया खरीदती है। वापस आकर वो घर के बगीचे में जाकर खूब मेहनत करती है। वो नए पौधे उगाती है। इतनी सख्त मेहनत के बाद उसका दिल चाहता है कि थोड़ी देर के लिए आराम करे, ताकि घरेलू जिम्मेदारियों के लिए उसे तफरीह और आराम मुयसर आ सके। इसलिए वो ख्वाहिशमंद होती है कि वो अपना वक्त फितरत के हसीन मनाजर में गुजारे। वो अपना वक्त बारिश, हवा, तूफान, चांद और सूरज की रोशनी में गुजारना चाहती है। उसकी ख्वाहिश है कि फितरी मनाजर में खो जाए और मज़ीद मेहनत के लिए ताज़ा दम हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स जंप टूवर्ड्स आवर यू नो टास्क, मेन टास्क, दैट इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम वुमन वर्क। I have got the children to tend, the clothes to mend. मुझे बच्चों की देखभाल करनी है, मुझे कपड़ों की मरम्मत करनी है। The floor to mop, the food to shop. फर्श को साफ करना है और खाने पीने की जो अशिया है उसकी ख़रीदारी करनी है। The chicken to fry, the second stanza. The chicken to fry, the baby to dry. मुझे चूज़ा तलना है और बच्चे को खुश करना है। I got the company to feed, the garden to weed. मुझे ख़ानदान को खाना खिलाना है और बाग में से जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको ख़त्म करना है। I've got the shirt to press, the can to be cut. मुझे शर्ट प्रेस करनी है, कपड़े प्रेस करने हैं और बांस को काटना है। The third stanza is storm, blow me from here with your fiercest wind. है तूफान, मुझे यहाँ से उड़ा के ले जा अपनी तंदो तेज हवाओं के साथ। Let me float across the sky till I can rest again. और मुझे आसमान पर तैरने दो हत्ता कि मैं फिर आराम कर सकूँ। Stanza number four is fall gently snowflakes, cover me with white cold icy kisses and let me rest tonight. ए बर्फ, अपने गाले मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता बरसा और मुझे अपने बर्फीले यख बोसों से ढांप ले, ताकि मैं आज की रात आराम कर सकूं। Now the fifth stanza is shine on me sunshine, rain on me rain. ए सूरज की धूप मुझ पर चमको, ए बारिश मुझ पर बरसो।
Fall softly, dewdrops, and cool my brow again. ऐ शबनम के कतरों मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता पड़ो और मेरी पेशानी को ठंडा कर दो. So let's deal with the last stanza. Sun, rain, curving sky, mountain, oceans, leaf and stone. Stars shine, moon glow, you're all that I call my own. Ae dhoop, barish, mehrabi aasman, pahar, samandar, patte, sitaron ki chamak, chandni ki, chand ki roshni, tum hi to sab ho, jinhe main apna keh sakti hoon, jo mere ho. That's all from the Urdu translation of the poem Woman Work by Maya Angelou. You can get my notes on my site www.centurylearner.com.